अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मृणाल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांनी आज मन की बात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशातील सर्व जनतेला संबोधित केले। माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील या मन की बात कार्यक्रमाचा आजचा हा 91वा भाग होता। हा कार्यक्रम जामनेर विधानसभा क्षेत्रात प्रत्येक बूथवर प्रोजेक्टरवर दाखवण्यात आला। या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकास तथा वैद्यकीय शिक्षण व क्रीडा मंत्री आमदार गिरीश महाजन, नगराध्यक्षा साधना महाजन यांनी बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्या समवेत बसून एकत्रितरित्या हा कार्यक्रम पाहिला। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। और साथियों, आप तो भली बात ही जानते हैं, मिलेट्स किसानों के लिए भी फायदेमंद है और वो भी खास करके छोटे किसानों को। दरअसल बहुत ही कम समय में फसल तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशेष रूप से लाभकारी है। मिलेट्स के भूसे को बेहतरीन चारा भी माना जाता है। आजकल युवा और लीवर की बीमारियों से बचाव में भी मददगार है। थोड़ी देर पहले ही हमने कुपोषण के बारे में बात की है। कुपोषण से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाभदायक है, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं। देश में आज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इससे जुड़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करने के साथ ही एफपीओस को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। मेरा अपने किसान भाई बहनों से यही आग्रह है कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अधिक से अधिक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टअप उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ मिलेट कुकीज बना रहे हैं तो कुछ मिलेट पैनकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। त्योहारों के इस मौसम में हम लोग अधिकतर पकवानों में भी मिलेट्स का उपयोग करते हैं। आप अपने घरों में बने ऐसे पकवानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि लोगों के बीच मिलेट्स को लेकर जागरूकता बढ़े। नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी वो डिजिटल इंडिया ने गांव गांव में पहुंचा दी है। इस वजह से देश में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के सेठा सिंह रावत जी दर्जी ऑनलाइन ई स्टोर चलाते हैं। आप सोचेंगे ये क्या काम हुआ, दर्जी ऑनलाइन? दरअसल सेठा सिंह रावत कोविड के पहले टेलरिंग का काम करते थे। कोविड आया तो रावत जी ने इस चुनौती को मुश्किल नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC ई स्टोर ज्वाइन किया और ऑनलाइन कामकाज शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्राहक बड़ी संख्या में मास्क का ऑर्डर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महिलाओं को काम पर रखा और मास्क बनवाने लगे। इसके बाद उन्होंने और भी कई तरह से कपड़े वो बनाकर बेचने लगे। आज डिजिटल इंडिया की ताकत से सेठा सिंह जी का काम इतना बढ़ चुका है, उन्हें पूरे देश से ऑर्डर मिलते हैं। सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दे रखा है। डिजिटल इंडिया ने यूपी के उन्नाव में रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी को भी स्थापित किए हैं। ओम प्रकाश जी ने अपने कॉमन सर्विस सेंटर के आसपास निशुल्क वाईफाई जोन का भी निर्माण किया है, जिससे जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद हो रही है। ओम प्रकाश जी का काम
अब इतना बढ़ गया है कि उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख लिया है। ये लोग गांवों के स्कूल, अस्पताल, तहसील ऑफिस और आंगनवाड़ी केंद्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा रहे हैं और इसे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर की तरह ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, मुझे गांवों से ऐसे कितने ही संदेश मिलते हैं जो इंटरनेट की वजह से आए बदलावों को मुझसे साझा करते हैं। इंटरनेट ने हमारे युवा साथियों की पढ़ाई और सीखने के तरीकों को ही बदल दिया है। जैसे कि यूपी की गुड़िया सी जब उन्नाव के अमोइया गांव में अपनी ससुराल आई तो उन्हें अपनी पढ़ाई की चिंता हुई, लेकिन भारत नेट ने उनकी इस चिंता का समाधान कर दिया। गुड़िया ने इंटरनेट के जरिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। गांव गांव में ऐसे कितने ही जीवन डिजिटल इंडिया अभियान से नई शक्ति पा रहे हैं। आप मुझे गांवों के डिजिटल एंटरप्रेन्योर के स्टोरीज को सोशल मीडिया पर भी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता रमेश जी का पत्र मिला। रमेश जी ने अपने पत्र में पहाड़ों की कई खूबियों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि पहाड़ों पर बस्तियां भले ही दूर दूर बसती हो, लेकिन लोगों के दिल एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। वाकई पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहाड़ों की जीवन शैली और संस्कृति से हमें पहला पाठ तो यही मिलता है कि हम परिस्थितियों के दबाव में न आए तो आसानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा हम कैसे स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इन दिनों स्पीति क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। स्पीति एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ इन दिनों मटर तोड़ने का काम चलता है। पहाड़ी खेतों पर एक मेहनत भरा और मुश्किल काम होता है। महिलाएं स्थानीय गीत छपरा माझी छपरा ये भी गाती है, यानी यहाँ आपसी सहयोग भी लोक परंपरा का एक हिस्सा है। स्पीति में स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग का भी बेहतरीन उदाहरण मिलता है। स्पीति में किसान जो गाय पालते हैं उनके गोबर को सुखाकर बोरियों में भर लेते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगह में, जिसे यहाँ खुड कहते हैं, उसमें बिछा दिया जाता है। बर्फबारी के बीच ये बोरियां गायों को ठंड से सुरक्षा देती हैं। सर्दियां जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी पशुओं के वेस्ट से ही उनकी सुरक्षा भी और खेतों के लिए खाद भी। खेती की लागत भी कम और खेत में उपज भी ज्यादा, इसलिए तो एक क्षेत्र इन दिनों प्राकृतिक खेती के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है। साथियों, इसी तरह के कई सराहनीय प्रयास हमारे एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में कई प्रकार के औषधि और वनस्पतियां पाई जाती हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उन्हीं में से एक फल है बेडू। इसे हिमालयन फिक के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लोग फल के रूप में तो इसका सेवन करते ही हैं, साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। इस फल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस, इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखाकर तैयार किए गए ड्राई फ्रूट को बाजार में उतारा गया है। पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग अलग रूपों में पहुंचाने में सफलता मिली है। बेडू को पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे किसानों को आय का नया स्रोत तो मिला ही है, साथ ही बेडू के औषधीय गुणों का फायदा दूर दूर तक पहुंचने लगा है।
या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।